तो गाइस आज हम साफ करने वाले हैं बाथरूम का जो मग होता है, जिसको हम मग्घा भी बोलते हैं। तो आप जो स्क्रीन पर मग्घा देख रहे हैं, ये मेरे घर का बाथरूम का मग्घा है, जो कि काफ़ी दिनों से पानी के रखने पर, या ये कह लीजिए कि जो टैप से पानी गिरता है, तो उसकी वजह से इसमें बिल्कुल खार जमा हो गई है, एकदम पीलापन आ गया है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग काफ़ी दिन तक अगर मग्घा साफ ना करें, या बाल्टियाँ बकेट जो है साफ ना करें, तो उनमें खार जम जाती है पानी की। तो मैं आपको चारों तरफ से दिखा रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से क्लियरली देख पाएँ कि इसमें कितना खार जमी हुई है, कितनी सफ़ेदी आ गई है, कितना ज़्यादा ये मग्घा गंदा है। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, तो आप इसको अच्छे से पहले तो देख लीजिए कि ये कितना ज़्यादा गंदा है और इसमें पानी की बहुत ज़्यादा खार जमी हुई है। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम बकेट या मग्घे को कैसे साफ़ कर सकते हैं? क्योंकि नॉर्मल कम गंदा होता है, तो नॉर्मल हम थोड़ा सा साबुन लगा देते हैं तो ये खार छूट जाती है, या हम बेकिंग सोडा से भी साफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ज़्यादा ऐसी खार जम जाती है, तो हम क्या करें कि बिना मेहनत के ही ये सारी खार छूट जाए और हमारा मग्घा या बाल्टी जो है बिल्कुल नए हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको करना है एक काम कि आपके घर पे जो हार्पिक हर किसी के यहाँ मिल जाता है, जो कि टॉयलेट क्लीनर होता है साफ़ करने के लिए, तो यहाँ पर हम हार्पिक का यूज़ करेंगे। हार्पिक में बहुत सारे केमिकल्स और कुछ मात्रा में तेजाब पाया जाता है, जो जितनी भी जमी हुई खार है उसको ख़त्म कर देता है। तो आपको बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि हार्पिक जो है हाथों में नहीं लगना चाहिए, वरना जलन पैदा कर देता है। तो आपको कोई सी भी एक पॉलीथीन ले लेनी है और इस हार्पिक को पूरे मग्घे में अंदर, तो बहुत ज़्यादा ही गंदा है, तो आपको अच्छे से इसको लगा देना है चारों तरफ से। अब जो नीचे ज़्यादा खार जमी हुई थी, तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली हार्पिक को डाल करके ऐसे ही छोड़ देना है, यानी कि मोटा सा ज़्यादा मात्रा में हार्पिक डालना है। इसी तरह से आप बाहरी एरिया में भी कुछ खार जमी हुई है, तो उसको भी हम पॉलीथीन की मदद से चारों तरफ हार्पिक को अच्छे से लगा देंगे। तो आपको अच्छे से सभी जगह अप्लाई कर देना है। बस ध्यान रखिए कि हाथों में ज़्यादा ना लगे, वरना जलन हो सकती है। तो नीचे तली में आप देख सकते हैं मैंने हार्पिक को डायरेक्टली डाल दिया है। तो अब हम इसको पूरा 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट में ही हार्पिक अपना काम कर देता है, तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको इसको लगा छोड़ देना है। तो हम इसको 5 मिनट के लिए लगा छोड़ देते हैं, फिर हम आते हैं देखते हैं कि कैसा साफ़ हुआ है। तो गाइस 5 मिनट करीब हो चुके हैं, तो ये देखिए कि हार्पिक ने जितनी भी खार थी उसको बिल्कुल पिघला दिया है, यानी कि सारी खार निकल गई है। मैं अभी आपको पास से दिखाती हूँ, आप इस तरह से स्क्रबर जो होता है ना, बर्तन धोने वाला जूना बोलते हैं जिसको हम लोग, तो उसकी मदद से आप इसको हल्का सा चाहे तो रगड़ सकते हैं, या फिलहाल मैं अंदर का पार्ट आपको दिखा देती हूँ। तो ये अपने आप ही मेल्ट हो जाती है, पूरी खार जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल भी खार नहीं है, सारी खार हार्पिक ने खींच ली है, जमी हुई गंदगी जितनी थी। ये बहुत हार्ड खार होती है, हम लोग नॉर्मल अगर निकालना चाहे साबुन की मदद से, तो रगड़ते रगड़ते आपके हाथ थक जाएंगे, लेकिन खार नहीं निकलेगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सफ़ेदी गायब हो गई है। तो जो मेन काम था हमारा, वो तो हमारा ख़त्म हो गया है। अब रही बात मग्घे को साफ़ करने की, तो उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। उसके लिए आप सिंपली कोई सा भी डिटर्जेंट या साबुन ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर कपड़े धोने वाला साबुन ले रही हूँ, तो आपको स्क्रबर की मदद से थोड़ा सा साबुन लेना है और बस मग्घे को मग्घे में अच्छे से इसको साफ़ कर लेना है रगड़ते हुए। तो जो मेन गंदगी थी वो निकल गई है, ये गंदगी तो बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है, केवल आपको नॉर्मली साफ़ करना है। तो आपको आधा से 1 मिनट ही लगेगा, इसको आप स्क्रबर की मदद से अच्छे से हर जगह रब कर लीजिए, रगड़ दीजिए। तो ये देखिए किनारी भी आप देख सकते हैं, नीचे भी कितनी खार जमा थी, सारी खार बिल्कुल छू मंतर हो गई है। मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए रख के मैं बाहर गई, लौट के आई, सारी खार ख़त्म हो गई। एक्चुअली मैं, मेरी मम्मी जो है हार्पिक से ही बकेट वगैरह जो है सभी साफ़ करती हैं, मैं तो खैर नहीं करती थी, लेकिन मम्मी ने ऐसा बताया तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो आज मैंने भी ट्राई किया, तो ये जादू मैं खुद ही देख रही हूँ कि मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और मेरा सारा मग जो है मग्घा बिल्कुल नया जैसा निकल आया। तो मैं आपको इसको वॉश करके अभी दिखाती हूँ आपको। तो फाइनली ये मग्घा जो है बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब मैं इसको आपको पानी से धो करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अंदर बाहर सभी जगह मग्घे को साफ़ कर लिया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप मार्केट से लेकर के आए हों, बिल्कुल नया। आप पहले का देख सकते हैं स्क्रीन पर कितना गंदा था, कितनी खार जमी थी। मैं आपको फिर से ऐसे लेकर के आई हूँ अभी नया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो? मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, शेयर
और ऐसे ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, रेसिपी और टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखना चाहते हैं, तो मेरी चैनल अच्छा की रसोई को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।